राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स आज झज्जर पहुंचे और यहां उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि तेल देखो, तेल की धार देखो। इस योजना को लेकर सरकार का प्लान भी बताया और इस योजना से होने वाले फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का रिजल्ट 5 साल बाद दिखाई देगा। इसके अलावा क्या कुछ कहा डीपी वत्स ने, सुनिए। तेल देखो, तेल की धार देखो। आप ये सारे फौजी बैठे हैं यहाँ पे, 5-6 दफा तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी मेरे देखते देखते चेंज हो चुकी। अब तो 12 साल मुझे भी रिटायर हुए होंगे कि सबसे पहले तो ऐसी ही थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारी यानी आधे से ज़्यादा हिंदुस्तानी फौज को डिसम्बोडी कर दिया गया था कि जाओ भाई अपने घर, अब लड़ाई में लिए थे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1971 तक बहुत थोड़ी सर्विस के बाद ही फौजी आ जाता था। उसके बाद 15 साल के बाद पेंशन हुई, फिर भर्ती का तरीका बदला कि ये दौड़ शुरू होगी। पहले मेरे ज़माने में तो ये था कि आया, उसकी पैमाइश हुई, उसका मेडिकल हुआ और उसको वारंट दे देते थे, एक कंबल दे देते थे कि जाओ बरेली। अब ये आ गया कि भाई अच्छी तकड़ी फिजिकल होता है, पहले दौड़ होती है। उसमें अग्निवीर का जहाँ तक सवाल है, अग्निवीर थी तो फौज की डिमांड कि भाई यंग सैनिक, जो करगिल युद्ध जो कमेटी थी, करगिल रिव्यू कमेटी का ये रिकमेंडेशन थी कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए यंग होना चाहिए, जो थोड़े से 40 से ऊपर के फौजी हो जाते हैं उनको दिक्कत आती है। वो रिकमेंडेशन अब सरकार ने लागू कर दी, मगर उसमें एक बात कहता हूँ मैं, जो हाइब्रिड वारफेयर है या जो बदला हुआ युद्ध का स्वरूप है, वहाँ तो जब से ये टेररिज्म चला है हर जगह अग्निवीर की या एक ट्रेंड फौजी की ज़रूरत है। वहाँ दर्जी की दुकान पर हमला हो गया उदयपुर में, इसी तरह स्कूलों में हमले हो गए और कई जगह हमले टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, मंदिरों में भी हुए, बाजारों में भी हुए। तो एक ट्रेंड फौजी तो होना बहुत ज़रूरी है देश में। ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ हर एक आदमी को फौजी लाजमी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। चीन में भी 24 घंटे की सर्विस है, इसराइल का हमने नकल की है, वो 32 महीने की सर्विस इसराइल कराती है लाजमी यानी ज़रूरी कंपलसरी, लड़कियों को भी लड़कों को भी। तो जहाँ तक फौजी ट्रेनिंग का सवाल है वो तो बहुत ठीक है ये, मगर मैंने कहा तेल देखो और तेल की धार देखो। उसमें ये है, जो बड़ा कैच पॉइंट ये है कि भाई जब ये सिविल में आ जाएंगे बंदे तो इनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमारे रक्षा मंत्री ने ये कहा भाई एक तो आए साल इसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षा मतलब रिव्यू करेंगे कि यार ठीक है कि नहीं है, लेखा देखो नू का नू सारा कुनबा डूबा क्यों, ऐसा काम तो नहीं हो जाएगा। तो उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद इसका रिजल्ट आएगा 5 साल के बाद, 4 साल नहीं 5 साल के बाद रिजल्ट आएगा। डीपी वत्स ने कहा कि अग्निवीर योजना अभी समीक्षा के अंदर है और ये ट्रायल पर है और ट्रायल के बाद ही इसका रिजल्ट सबके सामने होगा। दरअसल राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स ने मातनहेल में प्रस्तावित सैनिक स्कूल के बनने की एक बार फिर से अपनी तरफ से वकालत की। उन्होंने कहा कि मामला देश के रक्षा मंत्री के संज्ञान में है और वो इस मामले को राज्यसभा में उठा चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि खामियां दूर होते ही मातनहेल में बनने वाले सैनिक स्कूल के निर्माण की हरी झंडी मिल जाएगी। हमारी सरकार है टाइम बाउंड, वैसे ही सरकार में काम टाइम बाउंड पूरे होते हैं। अब जब मामला रक्षा मंत्री के ही संज्ञान में जा चुका है, अब मैं जाऊंगा पार्लियामेंट जब दोबारा सेशन शुरू होगा तो इसको दोबारा मामले को आगे चलाएंगे। चलाना मेन चीज यही है कि रक्षा मंत्रालय में जो सैनिक स्कूल संगठन है वो इसका मुआयना करे, मेन चीज ये है, मुआयना करे और अप्रूव करे एमओयू साइन करे, एमओयू साइन करे। डॉक्टर डीबी वत्स ने कहा कि मातनहेल के सैनिक स्कूल की नींव का पत्थर भाजपा की वाजपेयी सरकार में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने रखा था, लेकिन बाद में मामला एनजीटी के नियमों के तहत खटाई में पड़ गया। लेकिन अब पंचायत ने जमीन का प्रस्ताव दोबारा से पारित कर सरकार को भेजा है। बता दें कि पिछले दिनों गांव कुलाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने भी इस मामले को रखा गया था। उस वक्त रक्षा मंत्री ने इस पर विचार करने की बात कही थी। उम्मीद यही है कि जल्द ही सभी खामियां दूर होते ही इस सैनिक स्कूल के निर्माण को हरी झंडी मिल जाएगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा भाजपाइयों को कौरव और कांग्रेस को पांडव कहे जाने पर डॉक्टर वत्स ने कहा राजनीतिक पार्टियों के बीच इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।